स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे सेंट्रल कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी की गई वैकेंसी के बारे में। इसमें फ्रेंड जो वैकेंसी निकली है आपकी वेरियस पोस्ट की है, जिसमें कि आपकी मैनेजर, टेक्निकल और अकाउंटेंट, पर्सनल ऑफिसर, अन्य वेरियस पोस्ट की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसमें ऑफलाइन फॉर्म है, आप किस तरीके से फिल कर सकते हैं और महत्वपूर्ण लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। और डेली ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और अपडेट सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल लर्निंग टाइम से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और अपडेट के लिए। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलता हूँ, जहाँ पर डिटेल और जानकारी मैं दे सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए जानकारी देखने को मिलेगी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है, जो भी आप देख सकते हैं गाजियाबाद, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको देखते हैं सीआईएल इनवाइट करता है, सेल इनवाइट करता है एप्लीकेशन फॉर्म इंडियन नेशनल विद मैचिंग स्किल एक्सपीरियंस, आपका एंड्योरेंस फॉलोइंग पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं वैकेंसी, पोस्ट, सीरियल नंबर, रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। सबसे पहले जो पोस्ट है E4 कैटेगरी की, यूआर कैटेगरी में निकली है पोस्ट 1। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट शैल बी रेस्पॉन्सिबल रिक्रूटमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन, मैन पावर प्लानिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, एस्टेब्लिशमेंट, लीगल वेलफेयर मैटर। क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे ग्रेजुएट अलॉन्ग विद MBA, PGP, PGDM इन पर्सनल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद मिनिमम 55% फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, PC शुड हैव मिनिमम 12 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन HR। ठीक है, डिग्री लॉर्ड डिजायरेबल। ठीक है, तो यहाँ पे आप बाकी जानकारी दे सकते हैं। आपका टेक्निकल मैनेजर असिस्टेंट की सिविल में E3 कैटेगरी में E2 और ठीक है UR और पोस्ट 1। द कैंडिडेट शैल बी रेस्पॉन्सिबल और रिहैबिलिटेशन, बाकी आप यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे शुड हैव BTech डिग्री सिविल इंजीनियरिंग से, 55% मार्क्स यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। आप ये देख सकते हैं 9 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एग्जीक्यूशन सिविल वर्क। ठीक है, कैंडिडेट शुड हैव नॉलेज ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं मेथोलॉजी एंड ऑपरेशन प्रोसीजर रिहैबिलिटेशन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाकी आप देख सकते हैं MTech डिग्री एंड सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। कैंडिडेट 6 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है क्वालिफिकेशन, शैल बी एलिजिबल। ठीक है, यहाँ परचेज ऑफिसर की 1 वैकेंसी, एक UR, एक OBC, बाकी आप सेम रहेगा। द कैंडिडेट शुड बी आपका ग्रेजुएट साइंस या कॉमर्स या इंजीनियरिंग। ठीक है, विद मिनिमम 55% मार्क कैंडिडेट हैविंग MBA, PGDM, PGP, सप्लाई चेन मैनेजमेंट या मटेरियल मैनेजमेंट प्रेफर ही से शुड बी मिनिमम 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस प्रेफर इन सोलर या इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, आउट ऑफ विच द कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस फील्ड ऑफ स्टोर इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेंडरिंग प्रोसेस। द कैंडिडेट शुड हैव नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर एंड एक्सपोजर वर्किंग इन ई प्रोक्योरमेंट एंड ERP ऑफिस HRMS या ERP E1 कैटेगरी में पोस्ट UR OBC। ठीक है, द कैंडिडेट शुड हैव BTech डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MCA विद मिनिमम 55% ई शुड बी, यहाँ पे देखते हैं मिनिमम 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वेब बेस सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर वेब बेस सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर वेब आपका बेस्ड एप्लीकेशन HRM ERP कैंडिडेट विद MBA, PGP और PGDM। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल ऑफिसर की यहाँ पे वैकेंसी दे सकते हैं E1 कैटेगरी में SC ST के लिए। ठीक है, द कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू हैंडल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, मैन पावर प्लानिंग, कैरियर सक्सेशन प्लानिंग, एम्प्लॉयमेंट रिटेंशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, एस्टेब्लिश मैटर। यहाँ पे देखते हैं कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट अलॉन्ग विद MBA, PG आपका PGP, PGDM, पर्सनल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स आप 50% होना चाहिए मार्क रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें एक्सपीरियंस HR IR फंक्शन डिग्री डिजायरेबल लॉ की है। अकाउंट ऑफिसर की E1 कैटेगरी में 1 UR, 1 OBC। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कैंडिडेट शैल बी रेस्पॉन्सिबल आपका MIS, पीरियडिकल प्रॉफिट लॉस, अकाउंटिंग, बैलेंस शीट, ये सब चीज़ होनी चाहिए। ठीक है,
यहाँ पे देखिए कैंडिडेट यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए कॉमर्स से, पास्ट फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ यहाँ पे CA ICAW में 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन प्रिपरेशन ऑफ MIS, आप देख सकते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंटेंट बैलेंस शीट और आदि के बारे में, ठीक है। यहाँ पे जैसे ERP सिस्टम एसेंशियल यहाँ पे दे रखा है, डेप्टी आपका जो है इंजीनियर क्रेमनिक 1 ग्रेड, ठीक है, E1 E01 पोस्ट SC कैटेगरी में। यहाँ पे आपका प्रोडक्शन क्वालिटी इंश्योरेंस सेरेमिक एंड प्रोडक्ट एंड अदर अलाइंट एक्टिविटी, यहाँ पे आपका BE/BTECH डिग्री सेरेमिक या मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 55%, 2 साल का एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस प्रोडक्शन एंड क्वालिटी सेरेमिक डीजो इंडस्ट्री, ठीक है, एक्सपीरियंस सेल्स एंड मार्केटिंग सेम प्रोडक्ट विल बी गिवन प्रेफरेंस। डेप्टी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल E1 कैटेगरी 1 OBC, यहाँ पे जैसे कंप्लीट इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस प्रोडक्ट यूनिट, द कैंडिडेट शुड बी आपका BE/BTECH आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 55%, ठीक है, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस प्रोजेक्ट आपका एजुकेशन रिलेटेड MTECH डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज आपका इंस्टीट्यूट से, ठीक है, यूनिवर्सिटी विल बी प्रेफरेंस। सीनियर मैनेजर आप देख सकते हैं मार्केटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपका ग्रेड E4 E3 पोस्ट 01, यानी एक पोस्ट की वैकेंसी यूआर कैटेगरी में। यहाँ पे आपका प्री सेल्स सेल्स मार्केटिंग कस्टमर आपका ये रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एम ग्रेजुएट विद MBA डिग्री 55% मार्क को इंस्टीट्यूट या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 12 साल का के बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पे, और जिसमें से 2 साल का आपका रिलेवेंट आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए गुड कम्युनिकेशन स्किल, 9 साल का जिसमें क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आउट ऑफ 2 साल जिसमें आपका रिलेवेंट एरिया सेल बी एलिजिबल फॉर मार्केटिंग। टेक्निकल मैनेजर प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ET कैटेगरी में 1 पोस्ट है। यहाँ पे देखते हैं कैंडिडेट सेल बी रेस्पॉन्सिबल एजुकेशन अपकमिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, बाकी आप देखते हैं प्रोडक्शन सेल सेरेमिक प्रोडक्ट ऑफ सेल, द कैंडिडेट शुड बी BE/BTECH डिग्री इन सेरेमिक और मैकेनिकल इंजीनियरिंग 55% मार्क फ्रॉम रुकना यूनिवर्सिटी, EC शुड बी 9 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन प्रोडक्शन आपका फाइजो एंड आपका सेरेमिक इंडस्ट्री फील्ड, ठीक है, जो प्रेफरेंस दी जाएगी सेरेमिक इंजीनियर को दी जाएगी। असिस्टेंट टेक्निकल इंजीनियर की पोस्ट है यहाँ पे देख सकते हैं, मैनेजर क्लाउड टेक्निकल आपका आर्किटेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, द कैंडिडेट शुड बी IT इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस होना चाहिए, द कैंडिडेट है BE/BTECH इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन 55, ठीक है, 6 साल का एक्सपीरियंस होने पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जिसमें क्लाउड IT सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट MIS सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन डिजायर में MTECH इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इन कंप्यूटर साइंस या AWS आपका एजुअर सर्टिफाइड क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एंड ऑन एक्सपीरियंस वर्किंग विद लाइव सर्वर क्लाउड होस्टिंग, ठीक है। डेप्टी इंजीनियर की यहाँ पे दे सकते हैं फ्रेंड, डेप्टी इंजीनियर की यहाँ पे पोस्ट दे सकते हैं जो कि स्मार्ट सॉल्यूशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस पर 1-2 पोस्ट है OBC में। यहाँ पे आप देख सकते हैं BE/BTECH, ठीक है, और MBA यहाँ पे आपका रखा गया, बाकी आप डिटेल दे सकते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पर। डेप्टी सेरेमिक कॉन्ट्रैक्ट बेस E1 कैटेगरी में यहाँ पे BE/BTECH 55%, 2 साल का एक्सपीरियंस रखा गया, ठीक है आपकी, और डेप्यूटी आपका दे सकते हैं R&D कॉन्ट्रैक्ट में E1 कैटेगरी में OBC 55% है आपका यहाँ पे देख सकते हैं, और MTECH है तो 1 साल का। तो यहाँ पे देखिए बहुत वैकेंसी हैं जिनके बारे में बता रहा हूँ, तो मैं फास्ट बता रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे डेप्यूटी इंजीनियर प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट बेस में E1 पोस्ट 1 BE/BTECH, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन 55%, 2 साल का एक्सपीरियंस डिजायरेबल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दे रखा है। डेप्टी QC कॉन्ट्रैक्ट E1 कैटेगरी में OBC, यहाँ पे BE/BTECH 55%, 2 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। डेप्टी आपका R&D कॉन्ट्रैक्ट 1 पोस्ट है, यहाँ पे आप देखते हैं आपका BE/BTECH MTECH डिग्री इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन 55%, 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नॉलेज आपका CC+ और HDL, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। डेप्टी इंजीनियर फील्ड्स आपका सपोर्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे E1 कैटेगरी में OBC, यहाँ पे BE/BTECH 55%, 2 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर की E2 E1 कैटेगरी में यहाँ पे आप बाकी आप डिटेल दे सकते हैं। कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट अलॉन्ग विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन 55%, 6 साल का एक्सपीरियंस हैंडलिंग मैटर आपका जो है प्री आपका ट्रेनिंग और
आपका रिलेशन प्रोटोकॉल फंक्शन आदि के, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 2 साल लॉ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे E1 कैटेगरी U1 वैकेंसी है। द कैंडिडेट प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ 3 साल का कोर्स ग्रेजुएशन 5 ईयर इंटरग्रेट कोर्स 10+2 विद मिनिमम 55% मार्क। कैंडिडेट शुड बी अवर्स आपका होना चाहिए लेबर लॉ आपका कॉपरेटिव लॉ और आदि के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप डिटेल दे सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट विद E1 कैटेगरी O1 वैकेंसी OBC, ठीक है। यहाँ पे आप दे सकते हैं। कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिक्ना यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। यहाँ पे आप देखते हैं शुड हैव सर्व इन द रैंक ऑफ JCO विद मिनिमम 15 ईयर सर्विस होनी चाहिए। डिफेंस पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लोमा आपका फायर सेफ्टी डिजायरेबल प्रेफरेंस विल बी गिवन द कैंडिडेट हैविंग आपका जो एक्सपीरियंस इंडस्ट्री सिक्योरिटी एंड फायर सेफ्टी। मैनेजर की पोस्ट है HR पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 1 वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट अलॉन्ग ग्रेजुएट विद आपका MBA, PGBA, PGP, PGDA में पर्सनल और 55% 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें क्वालिफिकेशन HR, IR डिग्री डिजायरेबल डिग्री लॉ है। मैनेजमेंट ट्रेनी अब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 2 वैकेंसी है। यहाँ पे सेम ग्रेजुएट MBA, PGA, PGP और PGDA 2 साल यहाँ पे दे सकते हैं 55%, ठीक है। और जो आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस हिंदी ऑफिसर राज्यसभा अधिकारी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 1 वैकेंसी है। यहाँ पे MA इन डिग्री हिंदी फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी से। ECET शुड बी हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट ग्रेजुएट विद लेवल 2 मिनिमम 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस PG, PGD हिंदी ट्रांसलेट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। कैंडिडेट रिटायर्ड गवर्नमेंट PSU अप टू 63 मे कैन आल्सो अप्लाई। इंजीनियर ट्रेनिंग यहाँ पे जैसे 1 वैकेंसी है। BTech आपका मैकेनिकल इंजीनियर 55% रिकॉग्नाइज मार्क। प्रेफरेंस विल बी गिवन कैंडिडेट MTech जो डिग्री है इंडस्ट्रियल मेटलर्जिकल जो है, ठीक है। सैलरी देखिए E4 कैटेगरी में 70,000 से 2,00,000 और E3 में 60,000 से 1,80,000 और 50,000 से 1,60,000 और E2, E1 से 40,000 से 1,40,000। यहाँ पे आपका रेगुलर आप देख सकते हैं CTC क्या रहेगा अप्रॉक्स और कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट पर, ठीक है। और एज लिमिट 31/7/2022 के अनुसार 42, E4 कैटेगरी 38, 35, 30, ठीक है। तो ये कैटेगरी के अनुसार है। कंसोलिडेटेड पे देखते हैं आपके मैनेजर HR कॉन्ट्रैक्ट बेस 60,000 रुपये 38 IP देखिए। इंजीनियर ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट बेस 28 से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपका 30, 27। मैनेजमेंट ट्रेनिंग HR कॉन्ट्रैक्ट पे 28, 30 फर्स्ट सेकेंड 27 IP दे रखी। NB राज्यसभा 40,000 63 IP दे रखी है। यहाँ पे आप देखते हैं आपका जो लास्ट डेट दे रखी है फॉर्म फिल करने 22/8/2022 दे रखी है, जो आप कर सकते हैं। नॉन रिफंडेबल रहेगा बैंक ड्राफ्ट आपको फेवर ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड पेबल गाजीबाग के लिए बनाना होगा, ठीक है। यहाँ पे जो कि देख सकते हैं कोई फीस नहीं है आपके SC/ST फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो क्राइटेरिया होना चाहिए 31/7/2022 के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। आपकी जो डिग्री AICTE अप्रूव UGC से अप्रूव होनी चाहिए, ठीक है। आपका क्वालिफिकेशन रिलेक्शन रहेगा SC/ST कैंडिडेट के 5 साल। एज रिलेक्शन रहेगा SC/ST के 5 वर्ष, 3 वर्ष OBC के लिए और फिजिकल डिसेबल 10 साल और जनरल के लिए, ठीक है। और 13 साल OBC और 15 साल SC/ST के लिए। बाकी आपका रिलेक्शन है वो यहाँ पे दे सकते हैं। अब देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अन्य जानकारी, यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब देखिए हम फॉर्म फिलअप पे चलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट आपका जो है सबमिशन एप्लीकेशन दे रखा है। यहाँ पे ड्यूली कंप्लीट शुड बी सेंड थ्रू स्पीड कुरियर पोस्ट आपका जो है स्टैबिंग ऑन एमडेलब आप पोस्ट लिखना जनरल यहाँ पे दिए गए एड्रेस पे आपको पहुँचाना है, ठीक है। 22/8/2022 है। नीचे की तरफ फॉर्म देखने को मिल जाएगा परफॉर्मा एप्लीकेशन। आप पोस्ट जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटो नेम फादर नेम मदर नेम जेंडर एड्रेस कम्युनिकेशन टेलीफोन नंबर मोबाइल नंबर ईमेल परमानेंट एड्रेस डेट ऑफ बर्थ अपनी देनी है 31/7/2022 के अनुसार, ठीक है। तो ये डिटेल है। यहाँ पे नेशनलिटी मैरिटल स्टेटस शादीशुदा है और नहीं है। जनरल आपकी कैटेगरी है, अपनी वैकेंसी में चेक कर लें किस कैटेगरी में वैकेंसी निकली उसी के अनुसार यहाँ पे आप दे सकते हैं। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, क्या फिजिकली हैंडीकेप्टेड टाइप और डिसेबिलिटी परसेंटेज कितना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे आप स्टार्टिंग फॉर्म हाई स्कूल से लेकर आपको भरना है, हाई स्कूल से लेकर जो आपके हायर क्वालिफिकेशन वो क्वालिफिकेशन यहाँ पे देंगे। हाई स्कूल किया है, मोड ऑफ आपका एजुकेशन, ठीक है, बताएंगे। आपका बोर्ड का नाम, आपका CGPA परसेंटेज है, सब्जेक्ट क्या थे वो, ठीक है। तो ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे आपको बताना है। एक्सपीरियंस यदि है तो ऑर्गेनाइजेशन आपका देखिए ऑर्गेनाइज टाइप, यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन बेसिक पे CTC डेट ऑफ ज्वाइनिंग नेचर ऑफ ड्यूटी डेट ऑफ लिविंग रीजन ऑफ लिविंग टोटल ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे आप दे सकते हैं। वर्किंग और ERP अदर
सो आपके यस या नो अंडरटेकिंग है, प्लीज डेट और सिग्नेचर यहाँ पे करना है। इस तरीके से आपको फॉरम है, यहाँ तक आप देख सकते हैं, आपको अपने अनुसार बना सकते हैं या फिर आपको उस तरीके डिटेल दे रही है जो डिटेल यहाँ पे चाहिए सर, ठीक है। इसको यहाँ पे आपको अपने अनुसार यहाँ पे आप इंक्रीज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये फॉरम आपका कुछ इस तरीके से रहेगा, सैंपल में आपको मैंने दिखा दिया है, ठीक है, जो कि नोटिफिकेशन में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए लिंक देखने को मिल जाएगा इस वैकेंसी का, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो वैकेंसी थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको ये जानकारी और वीडियो अच्छी लगी हो, और ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट के हमारे चैनल से बने रहे, सब्सक्राइब करना ना भूलें। लर्निंग टैंको, वीडियो देखने धन्यवाद।